हाँ यार यार, ये ओझड़ी तो डालो। अरे उठा ले यार। अरे समी, यही रोड पे फेंक देना यार। अरे यार मैं नहीं उठा रहा यार। अब बस फेंक दे, घर से तो निकलो, मैं सफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अबे ये क्या गंदगी फैलाई है तुम लोग ने मोहल्ले में। अब ये पेटे पे से कोई गाड़ी चल जाएगी, पूरा यहाँ कचरा हो जाएगा। अरे अभी गाड़ी आएगी ना, उठा लेगी आके। अबे जब तक तो पता नहीं कितना कचरा फैल चुका होगा, और फिर कहोगे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया। ये उठाओ यार जल्दी से। अरे तो सारे मोहल्ले वालों ने फेंका, मैं अकेला थोड़ी हूँ। अबे इतनी बदबू हो रही है इसमें, कौन सा जानवर काट दिया था। अरे अभी अभी हो जाएगी ना सफाई, ठीक है अभी यार, अभी घर भी तो साफ करना है। क्या लोग हैं यार। ओ ये देख, ये देख। हाँ भाई, क्या बकरा लिए? बल्कि नहीं, बकरा प्रोमैक्स। अरे नहीं नहीं, मैं बताऊँ, इनको पैसे मिले होंगे क्योंकि इस गाय पे तो पैसे मिलते हैं। <नहीं गया नहीं। laughs> ये वही है ना, वही वही क्या होता। अरे नहीं नहीं, हाँ ये कट्टू है, सस्ता मिला ना। हाँ कसाई, जो कसाई को बेच देते हैं वही वाले जानवर है ना। गाय है। गाय है? ये गाय। कोई नहीं कोई नहीं, तुमने भी मंडी लूट ली। हाँ अच्छी है, अच्छी है। अरे बेटा क्यों रो रहे हो? अब्बू, सारे मोहल्ले के बच्चे हमारे जानवर का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे इस महंगाई के दौर में जानवर ले लिया वो बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो इतना टाइम हो गया मैंने ग्लासेस नहीं लाया अपने चश्मे में, और पूरा पैसा तो पेट्रोल में खर्च हो जाता है, फिर भी कुर्बानी तो कर रहे हैं हम लोग। अरे बहुत छोटा है बकरा है। अच्छा अच्छा, देखो अगले साल जो ना हम लोग VIP के टेंट से जानवर लेंगे, समझे, फिर इनको दिखाना। प्रॉमिस? हाँ ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये आप क्या कर रहे हैं? जानवर बांध रहे हो यार घर के आगे। मैं एक मशवरा दूं, यहाँ नहीं बांध दे। यहाँ नहीं बांधूंगा तो कहाँ बांधूंगा, मेरा घर है भाई, क्या मैदान में बांधूं? अरे ये इलेक्ट्रिक पोल है और ये जानवर चाट सकता है और मर भी सकता है, और वैसे भी बारिश शुरू हो गई है यार, तो फिर अब करूं क्या मैं? शदीक भाई याद है पिछले साल उनका जानवर ऐसे ही मरा था। हाँ तो ये अवॉइड करें। सही, ये वो दरख्त पे बांध दें या वो नीचे वो कील लगी हुई वहाँ बांध दें। यहाँ लगाएंगे यार, यहाँ लगाएंगे, यहाँ से रस्सी यहाँ से आ जाएगी, यहाँ बांध देंगे जानवर, बस खड़ा रहेगा। ओ भाई, ओ क्या कर रहे हो यार, ये कूटा ठोक रहे, जानवर आने वाला है तो टेंट लगाने। अभी तो क्या जानवर 20 रोड पे लगाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, ये इसलिए लगा रहे ताकि टेंट लगा सके, जानवर आएगा ना भाई, बारिश हो जाती है। अबे तुम्हारे टेंट के वजह से पूरा रोड ब्लॉक होगा, और ये छोटा सा सुराख बना रहे हो, ये बड़ा सा खड्डा बन जाएगा, और कोई नहीं सही करता खड्डा। ये देखो ये खड्डा लास्ट ईयर का है, किसी ने नहीं सही किया। अरे इतने से कूटे से क्या ट्रैफिक जाम होगा, और वैसे भी ये ठीक हो जाएगा खुद ही, जानवर आएगा वो कहाँ जानवर लेके उसका क्या करेंगे। अबे अपने घर पे खड़ा करो, ये कोई जगह नहीं है जानवर खड़ा करने की, ये मेन रोड हटाओ यहाँ से यार। आज रात का खाना मेरी तरफ से अगर मैं आ रहा तो भाई मैं मान ही नहीं सकता, मेरा दुम्बा सबसे फास्टेस्ट है, 7 दिन से अनबीटेबल है। ओ भाई मेरे व्यापारी ने बोल के बेचा है कि इससे फास्टेस्ट हो, आप वापस कर देना। क्या बात कर रहे हो, चल चल देखते हैं। आ जा, 1 2 3। पागल हो गए तुम लोग, कर क्या रहे हो तुम लोग? ये कुर्बानी के लिए लेकर आए हो ना जानवर, इसकी रेस लगा रहे हो? अगर रेस लगाते हुए इसकी टांग टूट गई तो कुर्बानी से पहले कुर्बान करना पड़ जाएगा। इसकी खिदमत करने को बोला है, नफरियां लेने को नहीं बोला। जीप इतने बड़े डंगर हो गए हो, जाओ इसको जाके बांधो, साफ समझाओ कुर्बानी को। अस्सलाम वालेकुम गाइस। So, बकरीद पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अपना घर तो साफ रखना, मगर गली महल्ले में आलाइश फेंक के उसको गंदा करना, जानवरों की रेस लगाना, शो ऑफ करना, दूसरे के जानवर का मजाक उड़ाना। देखे जी, अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी नीयत देखता है, ये नहीं देखता कि कितना बड़ा जानवर लेकर आया, या अल्लाह ताला के पास गोश्त भी नहीं पहुंचता। तो किसी का मजाक या इस तरह की कोई चीजें नहीं करे, कुर्बानी एक फरीजा है। हमने पूरी कोशिश की है, जितने मैसेजेस हम कवर कर सके हमने किए, जो हमने कवर नहीं किए प्लीज उसे कमेंट में मेंशन करें और लोगों तक पहुंचाएं।